गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के बारे में पढ़ेंगे। कैपिटल लेटर्स, अभी आपने प्रीवियस लेक्चर में ये पढ़ा था कि एक लैंग्वेज क्या होती है, ग्रामर क्या होती है, और लैंग्वेज जैसे वर्ड्स में से बनकर मिलती है, लेटर्स से मिलकर के बनती है, सेंटेंस से मिलकर के बनती है। तीन चीज़ें पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? सबसे पहले हमने ये पढ़ा कि जो कुछ भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसको हम भाषा कहते हैं। क्या पढ़ा था? जो कुछ भी हम बोलते हैं, लिखते हैं, उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा का निर्माण हमने तीन शब्दों से पढ़ा था। एक तो पढ़ा था लेटर, एक पढ़ा था वर्ड, और एक पढ़ा था सेंटेंस। तीन शब्द पढ़े थे। कौन कौन से पढ़ा था? सबसे पहले तो पढ़ा था हमने लेटर। भाषा के निर्माण में सबसे पहले लेटर आता है, फिर वर्ड आता है, और फिर सेंटेंस, ये बात आती है। तो हमने पढ़ा लेटर। अब लेटर में हमने ये पढ़ा था, लेटर दो प्रकार से होते हैं। राइटिंग के आधार पर हमने पढ़ा था कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर, और हमने दूसरे प्रकार इसका प्रोनंसिएशन उच्चारण के आधार पर पढ़ा था, वोवेल और कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर भाई? हमने ये पढ़ा था कि लैंग्वेज जो होती है, जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम लिखते हैं, वो लैंग्वेज होती है, भाषा होती है, और भाषा का निर्माण जो होता है वो लेटर, यानी जिसको हिंदी में कहते हैं अक्षर। क्या होता है? लेटर यानी अक्षर, और वर्ड यानी शब्द, और सेंटेंस यानी वाक्य। तो भाषा का निर्माण अक्षरों से होता है, अक्षरों से मिलकर के क्या बनता है? शब्द बनता है, और शब्द से, शब्दों से मिलकर के क्या बनता है? सेंटेंस बनता है, और सेंटेंस से मिलकर के भाषा बनती है, जो कुछ हम बोलते हैं वो क्लियर होती है। तो ये बात हमने पढ़ी थी द प्रीवियस लेक्चर, इससे पहले वाले में वीडियो में हमने जब पढ़ा था कि लैंग्वेज क्या होती है, तो लैंग्वेज तीन वर्ड से मिलकर के बनती है, लेटर से, वर्ड से, और सेंटेंस से, यानी तीन चीज़ों से मिलकर के बनती है। लेटर में आपके आते ए बी सी और डी, ये अल्फ़ाबेट है आपका। 26 लेटर्स होते हैं अल्फ़ाबेट में, कितने होते हैं? 26। तो इस 26 को हमने दो भागों में बांटा है। एक में तो होता है 5 स्वर होते हैं, 21 व्यंजन होते हैं। फिर इनको लिखने की दृष्टि दो भागों में बांटा है, एक तो कैपिटल लेटर में और एक स्मॉल लेटर में। ये बातें तो लेटर की कंप्लीट हो गई। फिर हमने इन लेटर्स को मिलाकर के हम वर्ड बनाते हैं, और उसका कुछ मीनिंग निकलना चाहिए, तब तो वो वर्ड है। मीनिंग नहीं निकलने के बाद भी वो वर्ड तो है, लेकिन वो निरर्थक वर्ड है, यूजलेस वर्ड है। तो हमें शब्दों के अर्थ इस तरीके से होना चाहिए। तो सबसे पहले अब हम पढ़ेंगे कि ये जो लेटर्स हम राइट करेंगे, उनमें ये कैपिटल लेटर का प्रयोग कहाँ कहाँ करना चाहिए। भाई हम शब्द वगैरह बनाएंगे तो उसमें कैपिटल लेटर का सा यूज हम कहाँ कहाँ करेंगे, ये बात हमें पढ़नी है। बात क्लियर होगी अपनी? लैंग्वेज पढ़ रहे थे, लैंग्वेज तीन चीज़ों से मिलकर के बनी हुई थी, लेटर से, वर्ड से, और सेंटेंस से। तो अब इन लेटर्स को हमने दो भागों में बांटा था, एक राइटिंग स्टाइल के आधार पर दो प्रकार, कैपिटल और स्मॉल, और उच्चारण की दृष्टि से भी दो भागों में बांटा था, वोवेल एंड कॉन्सोनेंट। तो अब हम राइटिंग स्टाइल के बारे में हम ये बात करेंगे कि लिखने के दृष्टिकोण में जो हमने कैपिटल लेटर की बात करी थी उसका यूज कहाँ कहाँ करते हैं। तो सबसे पहले यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स का यूज। तो कैपिटल लेटर्स का यूज निम्न स्थितियों, अगर ये दिख नहीं रहा तो मैं इधर लिख रहा हूँ, स्थितियों, निम्न स्थितियों में होता है, निम्न स्थितियों में होता है, ऐसा लिखा हुआ है यहाँ, निम्न स्थितियों में होता है। कौन कौन सी ऐसी स्थितियां बन रही है जहां पर हमें कैपिटल लेटर्स का यूज करने की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात हम वहां कैपिटल लेटर्स का यूज कर सकते हैं। कैपिटल लेटर्स का मीनिंग होता है बड़े वाले अक्षरों में लिखने का तरीका। तो सबसे पहले प्रत्येक वाक्य के प्रथम वर्ण, यानी कोई भी वाक्य जब स्टार्ट करते हैं, जब भी कोई सेंटेंस बनाते हैं, तो उसका फर्स्ट लेटर, उसका प्रथम अक्षर, प्रत्येक वाक्य के प्रथम वर्ण का प्रथम अक्षर, यानी किसी भी सेंटेंस के फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर। एक सेंटेंस लिख रहे हैं, उसमें पहला शब्द लिख रहे हैं, उस शब्द का पहला अक्षर, जैसे मैंने लिख शब्द एक राम इज ए गुड बॉय, लिखा मैंने वाक्य,
अब देखो मैंने ये लिखा कि प्रत्येक वाक्य के प्रथम वर्ण का प्रथम अक्षर, तो मैंने इधर राम लिखा, लाइव राम लिखा, फिर राम का ये जो ये राम जो बना वो कैसा है, प्रथम वर्ण या प्रथम शब्द, और इसका पहला अक्षर क्या है, आर, तो मैंने आर को क्या लिखा, कैपिटल लिखा। ऐसे इसके एग्जांपल की बात करते हैं, यहाँ लिखा द बॉय, तो द का पहला अक्षर टी कैपिटल में है, एच दूसरी एबीसीडी का है और ई भी दूसरी एबीसीडी का है, बात क्लियर हो गई। तो प्रत्येक वाक्य के प्रथम वर्ण का प्रथम अक्षर, द बॉय आर बॉयज आर प्लेइंग इन द फील्ड, लड़के हैं वो मैदान में खेल रहे हैं, फील्ड में खेल रहे हैं। अब बताइए, तो दे से स्टार्ट किया, तो दे का सेंटेंस का फर्स्ट लेटर, वर्ड का फर्स्ट लेटर, किसी वाक्य के प्रथम शब्द का प्रथम अक्षर जो है वो कैपिटल लिखा जाएगा। तो जब भी आप अपनी नोटबुक में राइटिंग वगैरह करते हैं तो इस बात का बड़ा ख्याल रखेंगे कि जब हम नया सेंटेंस लिखते हैं तो उसका पहला अक्षर है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। बात करते हैं दूसरी, कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम वर्ण, यानी कविता जो पोइम जो होती है, पोइम जब लिखी हुई होती है तो उस पोइम का जो जो भी पहली लाइन होती है उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे ये मैंने चार लाइनों की छोटी सी पोइम का कोई लाइन लिखी है, वॉक वाइल यू वॉक, तो ये डब्ल्यू जो है वो कैपिटल है। प्ले विथ यू प्ले, अब इसका पी नीचे जा रहा है, इसका नहीं जा रहा है, तो ये इसका पहला पी है वो कैपिटल है। प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे, अब दैट का भी पहला अक्षर कैपिटल है। टू बी हैप्पी एंड गे, तो ये टू कैपिटल है। अब मैंने ये जो चार लाइनें लिखी हैं उस चार लाइनों के प्रथम वर्ड वर्क प्ले दैट एंड टू, वर्क को हम चेक करते हैं तो वर्क का पहला अक्षर कैसे लिखा हुआ है, कैपिटल है, कैपिटल है। तो अपनी बात पूरी हो रही है कि कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम वर्ण या अक्षर कैपिटल, प्ले कैपिटल, दैट कैपिटल और टू कैपिटल। ये बात अभी बात क्लियरली कि कविता की प्रत्येक पंक्ति का प्रथम वर्ण जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे वर्क वाइल यू वर्क, प्ले वाइल यू प्ले, दैट इज द वे टू बी हैप्पी एंड गे, हम इसको हिंदी की तरह अगर पढ़ते हैं तो ये बात आती है। फिर अगली बात आती है प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव जो होती है उनके प्रथम वर्ण का या पर अक्षर जो होता है वो कैपिटल होता है। जैसे मैंने सरदार पटेल वॉज आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर, तो सरदार में किसी प्रॉपर नाउन है, पटेल, सरदार पटेल प्रॉपर नाउन है, वॉज आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर, और ये एडजेक्टिव है तो इसमें एच कैपिटल आ गया। तो हम ये लिख सकते हैं कि प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव जो है उसका प्रथम वर्ण है, उसका प्रथम लेटर जो है वो कैपिटल में लिखा जाता है। प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव का पहला अक्षर कैपिटल में लिखा जाता है। अब ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स और प्रोनाउन्स, भगवान या ईश्वर, गॉड है, गुरु ग्रंथ साहब, जो भी ईश्वर जिसको उपासना हम करते हैं उसका यदि हम कहीं नाम प्रयुक्त करते हैं तो उसमें उसका पहला अक्षर जो है वो हमेशा क्या आएगा, कैपिटल ही आएगा। आगे के लिए हम बात करते हैं ईश्वर, जैसे मान लो हमने लिखा ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स एंड प्रोनाउन्स, ईश्वर भगवान जो होता है, गॉड जो होता है, उसके लिए जो भी शब्द यूज करेंगे उसका प्रथम अक्षर चाहे वो सेंटेंस के प्रारंभ में हो, चाहे वो सेंटेंस के एंड में हो, चाहे वो सेंटेंस के मिडल में हो, कहने का मतलब ईश्वर के लिए प्रयुक्त जो शब्द है चाहे वो वाक्य के प्रारंभ में हो, चाहे वाक्य के मध्य में हो, चाहे वाक्य के अंत में हो, उस शब्द को हम कैपिटल लेटर में ही लिखेंगे। जैसे ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन्स एंड प्रोनाउन्स को हम कैपिटल लेटर में, जैसे वी प्रे टू गॉड, अब देखो ये गॉड जो आ रहा है, ये जो गॉड आ रहा है इसका जी हमने कैपिटल में लिखा हुआ है, गॉड का जी है वो कैपिटल में लिखा हुआ है। ये सेंटेंस के मिड में आ रहा है, सेंटेंस के बीच में आ रहा है, वाक्य के मध्य में आ रहा है, लेकिन कैसा लिखा गया, कैपिटल ही लिखा गया।
तो वी प्रे टू गॉड डेली, हम रोज ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। इस प्रकार से ईश्वर के लिए प्रयुक्त जो भी शब्द होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। अब देखिए, दिन, महीना, दिन यानी डे, महीना यानी मंथ, त्योहारों के नाम, फेस्टिवल्स नेम, जितने भी त्योहार होते हैं, जितने भी फेस्टिवल्स होते हैं उनके नाम का प्रथम वर्ण, पहला अक्षर जो होता है वो कैपिटल लिखा जाता है। जैसे पहला एग्जांपल जो मैंने दिया वो डे का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ है? डे का, ट्यूजडे। सबसे पहला था संडे, मंडे और ट्यूजडे। तीसरे नंबर का है ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ वीक, थर्ड डे ऑफ वीक। ट्यूजडे है वो वीक का कौन सा दिन है? तीसरा दिन। तो दिन के नाम का पहला अक्षर जो है वो कैसा लिखा गया है? दिन के नाम का पहला अक्षर वो कैपिटल लिखा गया है। कैसा लिखा गया है? कैपिटल लिखा गया है। तो हम यहाँ लिख रहे हैं दिन, महीना और त्योहार। दूसरा वाक्य देखो, जून, क्या लिखा हुआ है? जून इज द हॉटेस्ट मंथ, हॉटेस्ट यानी सबसे गर्म मंथ ऑफ द ईयर। जून जो है वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है। अब जून महीने, जून में किसी महीने का नाम आ रहा है तो वो कैपिटल में लिखा जा रहा है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर। तो महीनों का नाम, दिनों के नाम या त्योहारों के नाम का प्रथम वर्ण जो होता है वो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। किस किस का लिखा जाएगा? दिन का नाम, महीनों का नाम, त्योहारों का नाम, इनका पहला अक्षर जो होगा उसका प्रथम वर्ण या अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। तीसरी बात, अब त्योहारों के नाम का एग्जांपल हम और ले लेते हैं। जैसे वी सेलिब्रेट, हम मनाते हैं दिवाली। अब देखो दिवाली मैंने बीच में लिखा है फिर भी कैपिटल लेटर में आ रहा है, विथ ग्रेट जॉय। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, हम दिवाली को बड़े उत्साह और आनंद, उमंग और उल्लास से मनाते हैं। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, हम दीपावली बड़े उत्साह से, बड़े उमंग से, बड़े उत्साह से, बड़े आनंद से मनाते हैं। इस प्रकार से हमने यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स के पांच रूल पढ़े। कितने रूल पढ़े? पांच। पहला नियम ये पढ़ा है कि प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दूसरा ये पढ़ा कविता की प्रत्येक लाइन का प्रथम वर्ण जो आएगा, कोई भी पोएम यदि हम लिखेंगे तो उस पोएम का पहला वर्ड कैसा आएगा? कैपिटल लेटर। तीसरी बात हमने लिखी प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव, यानी व्यक्तिवाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक विशेषण का जो पहला शब्द होगा वो कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। जैसे सरदार पटेल वॉज आवर फर्स्ट होम मिनिस्टर, दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। ईश्वर के लिए प्रयुक्त सभी नाउन और प्रनाउन, यानी भगवान के लिए प्रयुक्त सभी संज्ञाएं और सर्वनाम जो भी होंगे वो हमेशा कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। दिन, महीना व त्योहार के नाम का प्रथम वर्ण भी कैसे लिखा जाएगा? कैपिटल लेटर में लिखा जाएगा। ट्यूजडे इज द थर्ड डे ऑफ वीक, ट्यूजडे यानी मंगलवार जो होता है वो दिन का कौन सा? सप्ताह का तीसरा दिन होता है। जून इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, जून वर्ष का सबसे गर्म महीना होता है। वी सेलिब्रेट दिवाली विथ ग्रेट जॉय, हम दिवाली को बड़े उत्साह और उमंग के साथ मनाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर आपको कंप्लीट लिखना है अपनी नोटबुक में। फिर इसके नीचे मैं आपको असाइनमेंट में कुछ वर्क दूंगा, वो आपको वर्क भी करना है। और अगर इसको लिख लोगे नोटबुक में तो अच्छे से आप याद कर सकते हो। बस पहले आराम से इसको पॉज करके लिख लेना, फिर वीडियो को और होमवर्क कर लेना। थैंक यू वेरी मच।